वेलकम टू स्टूडेंट इंडिया। आई एम यशवनी चौहान और आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे। तो देखिए भाई ये क्या है, सबसे पहले इसका मतलब जानना जरूरी है कि ये पॉइंट क्या है। एक्टिविटी सीरीज में ऐसे मेटल्स ना ज़्यादा रिएक्ट करते ना कम रिएक्ट करते, मतलब बीच के एलिमेंट मिडल क्लास, इनका स्टेटस जो है ना एकदम मिडल क्लास वालों का जैसा है। ठीक है, क्या कहा मैंने, ना ज़्यादा रिएक्ट करते ना कम रिएक्ट करते। अब वो एलिमेंट्स क्या हैं, जिंक, आयरन, कॉपर, देखिए यहाँ पे लेड, जिंक, आयरन, कॉपर, ये सभी एलिमेंट्स क्या है, मिडल एक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट्स हैं। मैंने आपको एक टेबल भी लिखवाई थी, यहाँ पर स्पेस नहीं है, देखिए मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ, केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। सो यहाँ पे आएगा हरी, क्यों हरी आज आए। ठीक है, एंड लास्ट है पीटी, पीटी मीन्स प्लैटिनम, इसे मैं अलग लिख रही हूँ और हमेशा अलग लिखती हूँ क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है। मैंने क्या लिखा, अब इनमें देखें यहाँ पर एलिमेंट्स कौन कौन से, जिंक, आयरन, पीबी, ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या हैं, मिडल रिएक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट्स, ना ज़्यादा रिएक्ट करते हैं ना कम रिएक्ट करते हैं। मैंने क्या बताया, ये एलिमेंट्स ना ज़्यादा रिएक्ट करते हैं ना कम रिएक्ट करते हैं और इन्हें हम कहते हैं मॉडरली रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, समझ गए, जिंक, आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आर द मॉडरली रिएक्टिव एलिमेंट्स। ये मॉडरली रिएक्टिव एलिमेंट्स ना ज़्यादा रिएक्ट करते हैं ना कम रिएक्ट करते। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड और कार्बोनेट इन नेचर। मैंने आपको कई बार बताया है कि जो मॉडरली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो तीन फॉर्म में होते हैं। किन फॉर्म में, तीन फॉर्म में होते हैं, कितनी में, तीन में। अब यहाँ पे दो क्यों लिखा हुआ है, एक दो ऑक्साइड में होते हैं, एक सल्फाइड में होते हैं और एक कार्बोनेट में होता है। ऑक्साइड में हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस करके उसे प्योर कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं। अगर वो सल्फाइड फॉर्म में हुए या कार्बोनेट फॉर्म में हुआ तो सबसे पहले हमें उन्हें ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम उसे रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस करके क्या कर देंगे, प्योर कर देंगे। ठीक है, समझ गए, मैंने आपको कई बार बता दिया ये सल्फाइड। और अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये जो सल्फाइड ओर्स है, क्या ये सल्फाइड ओर कैसे हम इसे रिड्यूस करें, कैसे हम इन्हें ऑक्साइड में कन्वर्ट करें, तो रोस्टिंग प्रोसेस से। अब ये रोस्टिंग प्रोसेस क्या होती है, मेरी पिछली वीडियो जाकर देखो जो मैंने इसे पहले बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको रोस्टिंग और कैल्सिनेशन डिटेल में बता रखा है और मैंने आपको अभी तक इसमें डिफरेंस नहीं बताया। मैं आपको इनमें डिफरेंस बताऊंगी कि रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंस होता है क्योंकि ये इसका ही टॉपिक है। ठीक है, सल्फाइड्स ओर को हमने क्या ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग। रोस्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच सल्फाइड्स ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड इन एक्सेस एयर, इन एक्सेस एयर, किस एयर में, एक्सेस जहाँ बहुत ज़्यादा एयर हो उसमें क्या जाता है, सल्फाइड ओर को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग। मैंने बता दिया रोस्टिंग प्रोसेस क्या होती है। देन कार्बोनेट ओर को देखते हैं कि कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो जो कार्बोनेट ओर होते हैं उन्हें हम ऑक्साइड्स में कन्वर्ट बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन करते हैं, कैल्सिनेशन प्रोसेस से। अब ये कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या है, कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर इज कन्वर्टेड इन टू ऑक्साइड इन लिमिटेड और एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, और इन्हें स्ट्रॉन्गली भी हीट किया जाता है, क्या स्ट्रॉन्गली हीट करके हम ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं। मैंने क्या बताया, सल्फाइड ओर क्या होते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं रोस्टिंग प्रोसेस से। रोस्टिंग प्रोसेस क्या होती है, एक्सेस एयर के अंदर स्ट्रॉन्गली हीट किया जाता है सल्फाइड ओर को जिससे वो क्या अब उनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरी प्रोसेस कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होती है, तो कार्बोनेट ओर को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन। तो कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाएगा इन लिमिटेड और एब्सेंस ऑफ एयर, क्या बताया, इन लिमिटेड और एब्सेंस ऑफ एयर, ये इरेज हो गया हाथ से। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, द मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस्ड टू कोरस्पोंडिंग मेटल बाय यूजिंग सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, बहुत बार, ये सल्फाइड कार्बोनेट और ये बात मैंने आपको बहुत बार बता दी है। क्या बात है, अब ये देखिए जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई भी मेटल है, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ जिंक ऑक्साइड, ठीक है। सबसे पहले ये सल्फाइड फॉर्म में था, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, देखिए ऊपर से रेज कर देती हूँ, आप नोट कर चुके होगे इसे, है ना। तो देखिए हमारे पास क्या था, जिंक सल्फाइड था, क्या था, जिंक सल्फाइड था। हमने क्या किया, रोस्टिंग प्रोसेस से हीट करके, क्या, रोस्टिंग प्रोसेस से हीट करके, अब एयर है तो ऑक्सीजन तो होगी, हीट करके क्या किया, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, क्या किया, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। अब इस ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, ये वाली प्रोसेस कौन सी प्रोसेस हुई, रोस्टिंग, रोस्टिंग। अब हम इसका क्या करेंगे, जिंक ऑक्साइड का, इस जिंक ऑक्साइड को रिड्यूसिंग एजेंट से, रिड्यूसिंग एजेंट अभी हमने कार्बन माना था, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन, देखिए लिखा हुआ यहाँ पे सच एज कार्बन, से रिड्यूस करके, क्या करके, रिड्यूस करके जिंक बनाएंगे, क्या हमें मेटल मिल गया, बट इट इज नॉट प्योर, पर अभी भी ये प्योर नहीं है, प्लस CO विच इज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये डाइऑक्साइड क्यों नहीं है, CO2 डाइऑक्साइड होता है, CO मतलब कि ऑक्साइड का वन मॉलिक्यूल, ऑक्साइड का वन मॉलिक्यूल जिसे हम कहेंगे मोनोऑक्साइड, मोयर डाई ट्राई ऐसे हमने पढ़ा है, ठीक है। तो एक बार और देख लीजिए, मैंने यहाँ से इरेज कर दिया है, तो कुछ मेटल्स होते हैं, जिंक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जिंक, आयरन, लेड, ये सारे जो भी मेटल्स हैं इन्हें हम क्या करते हैं, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं प्योर करने के लिए, क्योंकि ये किस फॉर्म में मिलते हैं, या सल्फाइड फॉर्म में मिलेंगे या ऑक्साइड फॉर्म में मिलेंगे, तो अगर सल्फाइड फॉर्म में मिले तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कार्बोनेट में मिले तो भी ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं, अगर ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं ये मेटल्स, और रिड्यूसिंग एजेंट्स रिड्यूस करके प्योर कर देंगे, ठीक है। सल्फाइड और को कैसे, सल्फाइड और को कैसे, रोस्टिंग प्रोसेस से क्या किया जाता है, उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है एक्सेस एयर में, वेयर एज कार्बोनेट और को कैसे, उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है कैसिनेशन प्रोसेस से इन लिमिटेड और absence of air, the metal oxides are then reduced to corresponding metal by using suitable reducing agents such as carbon। देखिए ये इसकी क्या है, रिएक्शन है, यही रिएक्शन मैंने ऊपर लिखी है, ये नीचे समझाने के लिए, ठीक है। ये एक रिएक्शन जिंक ऑक्साइड को क्या किया, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट सबसे रिड्यूस करके जिंक प्लस CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। तो अब हमने ये टॉपिक भी पढ़ लिया, बहुत छोटा टॉपिक था, और अब हम पढ़ेंगे थर्मिट रिएक्शन की, थर्मिट रिएक्शन क्या होती है, देखिए अब थर्मिट रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम इज यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन। कहने का मतलब है कि थर्मिट रिएक्शन वो होती है जिसमें आयरन ऑक्साइड, क्या, आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ हो, क्या हो, आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ हो, आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ हो, और इस रिएक्शन को यूज किया जाता है किस लिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स क्रैक्ड मशीन पार्ट्स, मशीन के कुछ पार्ट्स टूट जाते तो उन्हें क्या, ज्वाइन करने के लिए, रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए क्या किया जाता है, थर्मिट रिएक्शन का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर रिएक्शन भी लिखी हुई है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन। अब रिएक्शन क्या है, Fe2O3 प्लस An। अब देखिए जो ये Fe है वो क्या है, कम रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, तो जो एल्यूमिनियम है इसे लात मार देगा, लात मार के इसकी जगह बैठ जाएगा और बेचारा चुपचाप ये चला जाएगा, बैठ जाएगा कहीं जाकर, ठीक है, अकेला। तो क्या करेगा एल्यूमिनियम, क्या लात मारेगा Fe को, ऑक्साइड को नहीं मारेगा, ऑक्साइड के साथ जाके बैठेगा वो, तो किसको लात मारेगा, Fe को लात मारेगा।
Fe का लात मारेगा तो Fe बेचारा चुपचाप जाकर बैठ गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ बैठ गया क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव था, अच्छा तक ताकतवर था। और अब जो उसके साथ मिली हमें हीट मिली, अब जो ये जो हीट होगी ना हाईली एक्सोथर्मिक, क्या हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, बहुत बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक, उसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी, ठीक है। एक्सेस हीट निकलने की वजह से क्या किया जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ ए हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दैट्स व्हाई इट इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग जॉइंट रेलवे ट्रैक्स एंड क्रैक मशीन पार्ट, इसीलिए इसे वेल्डिंग करने में मशीन के रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए और मशीन पार्ट्स को जोड़ ठीक करने के लिए जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, इस थर्मिक रिएक्शन को किया जाता है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है, द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम इज यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन। तो इसने कहा कि जो आयरन ऑक्साइड है उसकी रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ होती है काइको, ताकि रेलवे ट्रैक को जोड़ा जा सके, क्रैक्ड मशीन पार्ट्स को जोड़ा जा सके, और इस रिएक्शन को हम थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। क्या रिएक्शन है इसकी, देखिए Fe2O3 plus Al that gives Fe plus Al2O3 और plus heat, ठीक है। तो अभी इसने जो दिया है एल्यूमिनियम इससे ज़्यादा रिएक्टिव था, तो क्या एल्यूमिनियम इससे ज़्यादा रिएक्टिव था, ये इसे लात मार देगा बेचारा एल्यूमिनियम जाके क्या वो बैठ जाएगा कहीं जाके, क्योंकि एल्यूमिनियम अच्छा तगड़ा था, पर जो Fe वो कमज़ोर दुबला पतला, तो चुपचाप जाके मान लेगा उसकी बात, ठीक है, वो कुछ भी नहीं करेगा कि तुमने मुझे क्यों हटाया, किस लिए, कोई कुछ सवाल नहीं, चुपचाप जाके बैठ जाएगा क्योंकि वो जानता है मैं दुबला पतला हूँ और कहीं पिट ना जाऊँ इससे, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, इसे लात मार देगा, एल्यूमिनियम यहाँ पे ऑक्साइड के साथ बैठ जाएगा और Fe अकेला बैठ जाएगा और हीट निकलेगी, क्या निकलेगी, वो हीट निकलेगी, ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है और इसीलिए इसे वेल्डिंग में रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए और क्रैक मशीन पार्ट को भी जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो थर्मिट रिएक्शन भी अब हमने पढ़ ली है कि थर्मिट रिएक्शन क्या होती है, और हमने ये भी पढ़ा कि जो मॉडुलर रिएक्टिव सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कैसे प्योर कर सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन एंड रस्टिंग, सॉरी रोस्टिंग, क्या रोस्टिंग और कैल्सिनेशन प्रोसेस से। तो अब इनकी अगली वीडियो में हम इनके डिफरेंस देखेंगे कि इन कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अब हमने पढ़ लिया थर्मिट रिएक्शन क्या होता है, अगली वीडियो में हम इनके डिफरेंस देखेंगे किसके, रोस्टिंग के और कैल्सिनेशन प्रोसेस के बीच डिफरेंस। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, और हाँ इसे अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना ताकि वो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल भी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।